सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर होस्ट फॉर टुडेज़ क्विज। घड़ी में बज गया है ठीक रात का 8 और हाजिर हूँ मैं आपके साथ शेयर करने के लिए क्विज सीरीज की 45वीं क्विज। इससे पहले हमने 44 क्विजेज ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो अगर आपने उन क्विजेज को नहीं देखा और आपको देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहाँ पर क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अब तक मैंने आपके साथ 45 क्विजेज शेयर कर दी हैं, 44 क्विजेज शेयर कर दी हैं और ये है क्विज नंबर 45। हर एक क्विज में मैंने आपके साथ 15 क्वेश्चन शेयर किए हैं। पहला एग्जामिनेशन भी हो चुका है, अगले एग्जाम्स के लिए फॉर्म्स भरने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए देखते हैं 45वीं क्विज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोबाइल बैंकिंग सर्विस। अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो आप दिए हुए ऑप्शन में से क्या कर सकते हैं। ये क्विज आपके पिछली क्विज में आ चुका है ये क्वेश्चन, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसका सही जवाब देंगे। ऑप्शन ए है आप मोबाइल बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, ऑप्शन बी है आप मोबाइल बैंकिंग की सहायता से अपने अकाउंट में चेक कर सकते हैं कितना पैसा पड़ा हुआ है, आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, या फिर आप ये सारी की सारी चीजें कर पाएंगे अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, अगर आप मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं तो आप ये सारा कुछ कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, टू रीनेम अ फाइल आर अ फोल्डर की इज यूज। अगर आपको किसी फाइल को या फोल्डर को रीनेम करना है और आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है तो आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी, कंट्रोल आर, ऑल्ट के साथ आर, F2 या F3। आपको किसी फाइल को रीनेम करना है या फोल्डर को रीनेम करना है, आपने उस फाइल या फोल्डर पर क्लिक करके सेलेक्ट किया हुआ है, तो सही जवाब क्या है, अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के इस क्विज के इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है F2। जी हाँ, अगर आपने किसी फाइल या फोल्डर पे क्लिक करके उसको सिलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद अपने कीबोर्ड से आप F2 दबाएंगे तो आप उस फाइल या फोल्डर को रीनेम कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वोलाटाइल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। दिए हुए ऑप्शन में से कंप्यूटर की नॉन वोलाटाइल मेमोरी कौन सी है, ऑप्शन ए रोम रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन बी DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, या ये सारी की सारी आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी का ही एग्जांपल है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है रोम रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि बाकी के दोनों है ये डेटा को टेम्पररी स्टोर करते हैं बट रोम डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, डेटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। जब भी आप कोई डेटा कहीं पे कॉपी करते हैं, कहीं से कॉपी करने के बाद वो एक्चुअल में कहां स्टोर हो जाता है जाकर, ड्राइवर के अंदर, क्लिपबोर्ड के अंदर, टर्मिनल के अंदर या प्रॉम्प्ट के अंदर। क्वेश्चन था आप जब भी किसी टेक्स्ट को फाइल को कॉपी करते हैं तो वो कहां पे स्टोर होता है जाकर, तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड का आपने नाम सुन रखा होगा, क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल ही यही है, जब भी आप कोई भी फाइल कॉपी करते हैं तो वो आपके क्लिपबोर्ड पे चला जाता है।
जब तक आप कोई दूसरी फाइल कॉपी नहीं करते तब तक वह आपके क्लिपबोर्ड पे ही रहता है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, व्हाट इज द फॉलोइंग शॉर्टकट की यूज्ड टू ओपन अ रन प्रोग्राम विंडोज। अगर आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम में रन प्रोग्राम ओपन करना है और आप विंडोज यूज करते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे कि आपका रन ओपन हो जाएगा। ऑप्शन ए कंट्रोल दबा के रखेंगे और आर दबाएंगे, ऑल्ट दबा के रखेंगे और आर दबाएंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर दबाएंगे, या विंडोज बटन दबा के रखेंगे, विंडोज की दबा के रखेंगे और आर दबाएंगे। तो आपको खोलना है आपका रन कमांड तो उसके लिए आप किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम बात करते हैं इनमें से इसका सही जवाब क्या है तो इसका सही जवाब था विंडोज की दबा के रखेंगे और आर दबाएंगे। जैसे आप विंडोज की दबा के रखेंगे और आर दबाएंगे तो आपका रन कमांड ओपन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज। कोई फिजिकल प्रोसेस कहीं पे चल रही है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम किस प्रकार के कंप्यूटर को यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स का, डिजिटल कंप्यूटर्स का, एनालॉग कंप्यूटर्स का, या ये सारे के सारे कंप्यूटर्स आप यूज कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटीज को मेजर करने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है एनालॉग। अगर आपको याद हो तो मैंने एक बार बताया था आपको फिजिकल एक्टिविटीज जैसे ताप दाब दूरी को नापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर्स का ही यूज करते हैं, तो इसका सही जवाब था आपका एनालॉग कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू 2 GB। दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो 2 GB के बराबर है, 1024 MB, 2048 MB, 20480 KB, या इनमें से कोई भी 2 GB के बराबर नहीं है। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब सेंड कर दिया होगा। चलिए देखते हैं आपके द्वारा सेंड किया हुआ जवाब कितना सही है। अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा 2048 MB, क्योंकि 1 GB में 1024 MB होते हैं, तो जब आप उसको डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2048 MB। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, Which of the following is a proprietary software? दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा है जो एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है? ना पता हो तो बता दूं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स में कॉपीराइट होता है उस कंपनी का, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी यूज कर सकता है, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप उसको। तो इसमें से प्रोप्राइटरी कौन सा है, ऑटोकैड, अडोबी फोटोशॉप, कोरल ड्रा, ये सारे के सारे आपके हिसाब से प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ही है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, चाहे वो ऑटोकैड हो, चाहे अडोबी फोटोशॉप हो, ये अडोबी का है, ये कोरल है, तो ये सारे के सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स ही हैं, ये ओपन सोर्स नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, एंड्रॉयड, लिनक्स, अपाचे या विंडोज। सवाल फिर से रिपीट कर दूं, आपको ढूंढना है इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब।
चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो सही जवाब है अपाची। एंड्रॉयड स्मार्टफोन होगा आपके पास तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, लिनक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है और विंडोज भी है। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कन्वर्ट साउंड्स इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब कंफ्यूज मत होइए, पिछली बार आपसे पूछा गया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, पिछली बार इनपुट आउटपुट का यूज नहीं किया गया था, इस बार आपका इनपुट आउटपुट का यूज किया गया है। सवाल यह है कौन सा दिए हुए ऑप्शन में से है जो इनपुट आउटपुट का इनमें से कोई एक है, और क्या था क्वेश्चन आपका, साउंड्स को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो दिए हुए ऑप्शन में आपको चयन करना है, अब माइक्रोफोन, स्पीकर, स्कैनर या OCR। पहले आप एक आंसर करिए फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका सही जवाब है माइक्रोफोन। अब आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि पिछली बार मैंने आपको साउंड कार्ड बताया था, तो उसकी बड़ी वजह यह है साउंड कार्ड ही कन्वर्ट करता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे साउंड कार्ड इनपुट डिवाइस नहीं था क्योंकि इनपुट लेने का काम तो माइक्रोफोन करता है। तो यहां पर जब हम दिए हुए ऑप्शंस में से हमें चयन करना होगा तो हम माइक्रोफोन का ही चयन करेंगे, क्योंकि माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड्स को कैप्चर करता है और साउंड कोड कार्ड की सहायता से उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। डीपीआई डिनोट्स, डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट पिक्सल इंक, डॉट पर इंचेस या डायग्राम पर इंचेस। तो आपके हिसाब से डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब है डॉट पर इंचेस। जितना डीपीआई ज्यादा होगा पिक्चर क्वालिटी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि एक इंच में कितने डॉट्स जनरेट होते हैं ये आपकी पिक्चर क्वालिटी बढ़ाएगी, वीडियो हो या कोई फोटो हो। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द मूवमेंट सिग्नल्स बिटवीन सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इनपुट आउटपुट जो भी यूनिट्स होती हैं और सीपीयू के बीच में सिग्नल्स के मूवमेंट को कौन इनमें से कंट्रोल करता है, ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी यूनिट। तो आपके हिसाब से इसका सही जवाब क्या है, मैं ऑलरेडी इसका आंसर बता चुका हूं आपको, फिर भी इस बात तो 100% सही होना ही चाहिए। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, आप सेंड कर सकते हैं। तो दिए हुए ऑप्शंस में से अगर मुझे चयन करना होगा तो इसका सही जवाब है कंट्रोल यूनिट। जी हाँ, कंट्रोल यूनिट का काम ही है सीपीयू में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में कंट्रोलिंग मेंटेन बनाए रखना। चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। इन कैल्क विच शॉर्टकट इज यू प्रेस टू चेंज द नंबर फॉर्मेट एज अ डेट फॉर्मेट। अगर आपको कैल्क यूज कर रहे हैं आप और आपको कोई नंबर में लिखा हुआ है मैटर, आपको उसको डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो आप दिए हुए ऑप्शंस में से किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ आप 1 दबाएंगे, कंट्रोल की शिफ्ट के साथ आप 3 दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप 3 दबाएंगे, दो बार रिपीट हो गया फिर से, और या फिर ये चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बेसिकली अब इसके सही जवाब की अगर बात करें तो मैं अभी लाइफ लाइन ले लेता हूं, चार हैं, दो तो एक ही जैसे हैं, तो अगर मैं यहां से 50-50 पे करूंगा तो हमारे पास ये दो बचे। कुल मिलाकर दूसरा भी सही ही था, क्योंकि अब इसमें आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब कंट्रोल शिफ्ट 3 है, और चूंकि बाय मिस्टेक टाइप करते समय कंट्रोल शिफ्ट 3 सेकेंड वाले में भी हो गया था, तो इसका सही जवाब है कंट्रोल शिफ्ट 3। क्या कर सकते हैं, इसकी सहायता से हम कोई भी डेटा लिखा हुआ है नंबर फॉर्मेट में आप उसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं।
चलिए बढ़ते हैं आज के क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट? आपको एक नई स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, शिफ्ट एन या शिफ्ट ऑल्ट एन एन? आपको एक नई स्प्रेडशीट ओपन करनी है तो अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो अगर हम इस क्वेश्चन के सही जवाब की बात करें तो अक्सर ऐसा होता है कि हम कंट्रोल एन का ही यूज़ करते हैं, चाहे हमें कोई नया पेज लेना हो एमएस वर्ड में या फिर राइटर में, और या अगर आप स्प्रेडशीट यूज़ करते हैं तो आपको नया स्प्रेडशीट लेना है तो कंट्रोल एन यूज़ करेंगे। अगर आपके पास कैल्क की जगह पर एमएस एक्सेल होता तो सेम में भी अगर आपको नई स्प्रेडशीट ओपन करनी होती तो आप उसके लिए कंट्रोल एन एन का ही यूज़ करते। चलिए बढ़ते हैं आज की क्विज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट अ फंक्शन? अगर आप कैल्क यूज करते हैं और आपको कोई फंक्शन इंसर्ट कराना है तो आप उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? कंट्रोल F3 का, F2 का, कंट्रोल F2 का या F3 का? तो आपको एक नया फंक्शन इंसर्ट कराना है कैल्क में तो आप इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे? आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अब कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं आज के, तो अभी हम क्या करेंगे, फिलहाल हम ऑडियंस पोल भी ले लेते हैं इस बार, क्योंकि 50-50 तो मैं पहले ही यूज कर चुका हूं। तो देखते हैं अगर हम ऑडियंस पोल का यूज करते हैं तो ऑडियंस का रिस्पांस क्या है। तो अगर हम ऑडियंस के रिस्पांस के साथ जाते हैं तो ज्यादातर जो ऑडियंस रिस्पांस है वो तो पहले को सही बता रहा है। अगर आप चाहें तो पहले के साथ जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं क्या करता हूं, मैं आंसर करता हूं, आपने तो अपने आंसर्स हो सकता है अब तक सेंड कर ही दिए होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर मैं ऑडियंस पोल पे जाऊंगा, देखता हूं गलत है या सही, तो ये तो गलत था, तो फिर इसका सही जवाब क्या है? क्या 20 का सही जवाब है या सी इसका सही जवाब है? तो इसका सही जवाब था सी। तो ऑडियंस पोल्स पे अगर बार हम जाते तो ये जवाब गलत हो जाता। अगर हमें कैल्क में एक फंक्शन इंसर्ट कराना हो तो हम कंट्रोल प्लस F2 का यूज करेंगे। तो इस तरीके से आज के 15 क्वेश्चंस आपके यहीं पे समाप्त होते हैं और आपकी क्विज नंबर 45 भी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्विज, ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे हिट जरूर करिएगा ताकि जैसे ही कोई भी नया वीडियो आता है हमारे एंड से आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। कल ठीक रात 8 बजे मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा नए 15 क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, कंप्यूटर सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।